वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। ये हमारा लास्ट वीकेंड है इन प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ। ये टेनिस कोर्ट, पीछे लेक, ये हमारा घर। तो मुझे लगा ये लास्ट वीकेंड ज़रूर मैं यहाँ से ब्लॉग करूँगी, क्योंकि मैं हर वीकेंड ब्लॉग करती थी यहाँ से। अब नज़ारे चेंज हो जाएंगे, ये वाला नज़ारा सेम रहेगा, बट येस डेफिनेटली सराउंडिंग्स वाले नज़ारे चेंज हो जाएंगे। आज सैटरडे बहुत ही अच्छा वेदर है, धूप निकली हुई है, मेरी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई है। तो मुझे लगा चलो थोड़ी देर बाहर जाते हैं गोविंद को लेके, वो वेट कर रहा है मेरा। अभी हम लोग थोड़ी देर हाइड एंड सीक खेलेंगे, स्कूटर चलाएंगे। लंच में आज बना है राजमा और रोटी। चावल नहीं बनाया यार, क्योंकि कल चावल काफी खा लिया था। अगर डिनर में बोलेंगे सब तो फिर चावल बन जाएगा। और साथ में है तंदूरी प्याज। बेटे मुंह में नहीं लो, ये तंदूरी प्याज बनी है मसाले वाली, काफी टेस्टी लगती है राजमा के साथ। आ जाओ। Yes. मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था दिखा के कि ये सारे जो बॉक्सेस हैं इस बार हमने वॉलमार्ट से कलेक्ट करे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि फ्री में कैसे मिले वॉलमार्ट से बॉक्सेस। तो देखो ये ना ग्रेट वैल्यू के डिप्स वगैरह के चिप्स के जो बॉक्सेस है ना, ये सारे ये लोग अनलोड करते हैं नाइट टाइम में। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप वॉलमार्ट पे और इंडियन स्टोर पे, पटेल स्टोर पे आप जाएंगे ना रात के टाइम पे स्पेशली, तो बहुत सारे आपको एम्प्टी बॉक्सेस मिल जाएंगे। आप उनसे बोलो कि हमें शिफ्ट करने के लिए बॉक्सेस चाहिए, वो आराम से आपको देंगे कि लेके जाओ, क्योंकि उनके लिए भी ये फ्री बॉक्सेस वो भी थ्रो करते हैं तो आपके काम आ जाएंगे। तो हमने मोस्टली ये देखिए सारे बॉक्सेस ना वॉलमार्ट से ही कलेक्ट किए हैं। आज ना पता है मैं बीच का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैंने सुबह आपको दिखाया था, उसके बाद हम लोग पैकिंग में ऐसा लग गए कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिरंशल अभी बना रहे हैं मैक्सिकन बाउल, क्योंकि मैंने सुबह राजमा बनाया था ना, फिरंशल ने बोला चलो मैक्सिकन बाउल बनाते हैं और सबके साथ वो शेयर करते हैं। मैक्सिकन बाउल बनाना सबसे आसान, थोड़ा सा चावल बनाओ, राजमा रखा हुआ है, थोड़ी सी सब्जियां काटूंगा, फ्राई करूंगा उनको, साथ में थोड़ा सा डिप, मैंने कहा थोड़ा इनोवेटिव हो जाते हैं, थोड़ी सी मेयोनीज में थोड़ा सा मैं टमाटर, गार्लिक और हरी मिर्च को थोड़ा सॉटे करके पीस के मिला दूंगा, तो एक बढ़िया सी डिप बन जाएगी साथ में। हमारे पास चिपोटले कोई सॉस नहीं है इसीलिए तो हम लोग इसे शॉर्टकट ले रहे हैं, बट अभी ठीक है मूविंग टाइम पर जो कर सकते कर रहे हैं। और साथ में जो चिपोटले जिन्होंने खाया है उसका वेज बॉल में सब्जी आती है, तो मैंने पतला पतला प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च काटी, उनको सॉटे कर देंगे, मिला के आराम से खाएंगे। अच्छा, सबका ना ये कॉमन कंसर्न था कि हम लोग कोविड के टाइम पे मूव कर रहे हैं, तो हम लोग घर को कैसे सैनिटाइज करा रहे हैं, कैसे यू नो प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि घर एकदम परफेक्टली सैनिटाइज हो बिफोर आर मूविंग। फंक्शनल ने कुछ कुछ मेजर्स लिए हैं वो बताएंगे। तो हम लोग क्या दो लेवल पर कारपेट है, तो ऑब्वियसली कारपेट को आप कैसे क्लीन करो, तो मैंने कारपेट पे शैम्पू होता है, तो मैंने कारपेट शैम्पूइंग सर्विसेज को ऑलरेडी बोल रखा है, तो वो ट्यूसडे को होगी सुबह 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 सुबह। तो हम लोग अभी मेन लेवल पे रहेंगे 30th को जब मूव करेंगे, और उस पे हार्डवुड फ्लोर है, तो हम लोग ऐसा सैनिटाइज खुद से करेंगे फ्लोर को। बाकी पूरे घर की सैनिटाइजेशन के लिए आपने मैंने ऑलरेडी उसके लिए पूरे घर की सैनिटाइजेशन, तो जितनी भी आपकी सर्फेसिस विजिबल सर्फेसिस है उनको पूरा एल्कोहल के साथ वाइप डाउन किया जाएगा, मेक श्योर किया जाएगा कि कुछ नहीं है। ये है हमारी सॉर्टेड वेजिटेबल्स, ये है राजमा जो सुबह बनाया था मैंने, होममेड डिप बनाई है, सालसा कह लो, चटनी कह लो, कुछ भी कह लो, बट ये बहुत टेस्टी बनी है। इसमें मेयोनीज ऐड किया था टमाटर को अच्छे से रोस्ट करने के बाद। और ये है कॉर्न, थोड़ा सा बॉईल कर लिया, और ये राइस बना लिया, और यहाँ पे है चीज, वो भी ऐड करेंगे। चिपोटले वाले भैया हमें पूरा बाउल बना के देंगे अच्छे से। पहले पैसा, वो लोग क्रेडिट कार्ड बाद में लेते हैं ना, पहले पैसा, खाना बाद में। और ये रेडी हो गया हमारा होममेड चिपोटले बाउल।
इसमें गुआक होता तो और मजा आता, बट आज एवोकाडो नहीं है तो ऐसे ही काम चला लेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है संडे मॉर्निंग एंड टेक्निकली आज लास्ट डे है हमारा घर का। मुझे लगा कि आज व्लॉग खत्म करती हूँ। कल एक्चुअली रात में ना हम लोगों ने सारी लाइट्स रिमूव कर दी थी, तो रात में काफी अंधेरा हो गया था घर पे। ऑरेंज ऑरेंज लाइट वैसे मुझे थोड़ा इरिटेट सी करती है, तो फिर मैंने सोचा लास्ट डे का भी व्लॉग मैं इंक्लूड करूंगी इसी व्लॉग में। एंड कल सामान मूव होगा तो हम लोग भी मूव हो जाएंगे उसी घर में। काफी लोग पूछ रहे थे कि कैसा फील हो रहा है मुझे। यह सच्ची बताऊं, अभी ना इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है हम लोग, फिजिकली थके हुए हैं कि इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड है, थोड़ा नर्वस भी है, क्योंकि लाइफ में बहुत बड़ा मूव है। बस मुझे यही लग रहा है कि जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वो अच्छी रहे, कोई हिडन चैलेंजेस, कोई हिडन चीज ना हो जो लूप होल हो और हमें ना पता चले। वैसे तो सब कुछ इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करके गए हैं, सब कुछ पता चल चुका है, इंस्पेक्शन हो चुका है, सब कुछ सही है। बट स्टिल यू नो, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी हिडन लूप होता है जो आपको नहीं पता चलता। बट आई एम होपिंग कि ऐसा कुछ ना हो और हम लोग सक्सेसफुली अच्छे से खुशी खुशी वहाँ पे मूव कर जाएं। एंड यस, एक्साइटेड है। यहाँ पे फ्रेंड्स बन गए थे, कम्युनिटी में रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, तो ऑब्वियसली छोड़ के जाते हैं। कोई भी चेंजेस होते हैं लाइफ में तो थोड़ी तो घबराहट होती है, बट आई गेस हो जाएगा। लास्ट चीज बची है इस रूम की, बेड पैक करना है। तो आज मैंने बेड भी नहीं लगाया सुबह, सबसे पहले आज अंशुल इस बेड को पैक करेंगे। और बेड पैकिंग के लिए भी ना हम होम डिपो से कुछ लेके आए हैं, मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये है मेरा स्पा सेंसेशन का मैट्रेस जो मैंने लास्ट ईयर वॉलमार्ट से लिया था। ये किंग साइज का है, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप पॉटी ट्रेन कर रहे हो ना उन लोगों को, तो मैट्रेस टॉपर जरूर लेना। ये आपके मैट्रेस को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। कभी कभी होता है ना, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, बच्चा कर देता है पीवी बेड पे, तो ये प्रोटेक्ट करता है। और होम डिपो से ना हमने ये लिया है मैट्रेस बैग, क्योंकि ये मैट्रेस ना एक बार इन्फ्लेट होने के बाद आप इसको ऐसा बांध बूंद के लेके नहीं जा सकते, तो ये ट्रक में ही जाएगा यू हॉल के। तो ये हमने मैट्रेस बैग लिया है, जिससे कि इसके ऊपर लगा देंगे, फिर ये आराम से चला जाएगा, गंदा वंदा नहीं होगा ट्रक में, अदरवाइज गंदा होने के चांसेस रहते हैं ना। फाइनली इस घर का आपको फाइनल वॉक थ्रू कराती हूँ मैं। वैसे तो मैंने डिटेल्ड हाउस टूर, किचन टूर सब बनाया है, बट उस टाइम पे मेरा घर एकदम सजा सजाया हुआ था। बट अब मैं दिखाती हूँ कि घर कैसा दिख रहा है। और यूएस में ना घर ऐसे ही मिलते हैं जब आप रेंट करते हो। तो ये है एंट्री डोर, और एंटर करते ही यहाँ पे है मैकेनिकल डोर। यहाँ पे सब मैकेनिकल्स रहते हैं, हीटर वगैरह है, डक्ट्स हैं, तो यहाँ पे वो सब रहता है। ये हमारे काम का नहीं होता, ये हमेशा बंद ही रहता है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, ये है कोट क्लॉजेट। काफी अच्छी बड़ी डिसेंट साइज की कोट क्लॉजेट थी ये मेरी, और अभी ये ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। यहीं पे मैं अपने शूज वगैरह भी और वैक्यूम क्लीनर वगैरह सब रखती थी। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, बाहर का फायर अलार्म बज गया। प्लीज एक्सक्यूज दिस नॉइज, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये है मेरा किचन जो आप देखते हो हर ब्लॉग में। और जैसा कि मैं बोलती हूँ ना, यहाँ के जितने भी अप्लायंसेज हैं, फ्रिज, ओवन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, ये सब हमें अपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड रहते हैं, तो ये यहीं पे रहेंगे, हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं। और ये जो लाइट्स थी, हमने व्हाइट लाइट लगाई हुई थी, अभी चेंज कर दी है येलो लाइट में। तो ये किचन भी ऑलमोस्ट मेरी खाली हो चुकी है, डाइनिंग टेबल एरिया ये सब खाली हो गया है। मेरे अभी भगवान जी रखे हैं जो मेरे साथ ही जाएंगे। और ये है हमारा लिविंग रूम, अभी सब पेंटिंग्स वगैरह उतर चुकी हैं, वॉल्स एकदम खाली हो गई हैं। यहाँ पे देखो ऐसी प्लेन वॉल्स होती हैं, तो यहाँ पे ये सारे कार्टन्स पैक हो गए हैं। ये सारे कार्टन्स बेसिकली किचन के हैं, इसीलिए बाहर रखे हैं, ये डायरेक्टली वहाँ पे किचन में जाके ही मैं रखवाऊंगी। और ये सब खाली हो गया है, यहाँ पर टीवी भी चला गया है, पैक हो गया है। अच्छा, हमारे प्लांट्स के लिए ना ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है, हमने कॉस्को का सेव करके रखा था, इसमें सारे प्लांट्स रख लिए हैं, और ये डायरेक्टली अब हम कार से लेके जाएंगे अपने। अंदर चलते हैं, ये है लिनन क्लॉजेट, ये भी ऑलमोस्ट खाली कर दिए हमने यहाँ पे। उसके बाद ये था गोविंद का रूम, जो कि अभी कार्डबोर्ड बॉक्सेस से भरा हुआ है। यहाँ पे सब सामान जो है वो पैक्ड है, और यहाँ पे कुछ हमने एम्प्टी बॉक्सेस रखे हुए हैं जो हम स्टिल अभी यूज करेंगे, अगर यूज होंगे तो। बाकी जो पैक्ड सामान है वो सब यहाँ पे है। और ये थी क्लॉजेट,
काफी अच्छी बड़ी वॉक इन क्लॉजेट है, ये भी पूरी खाली हो चुकी है। हॉल बाथरूम और यहाँ पे है हमारा बेडरूम। बेडरूम में भी ये टीवी पैक हो चुका है, ये बेड फ्रेम है ये भी पैक हो गया है, और जो मेट्रेस अभी मैंने आपको दिखाया था पैक करके अभी नीचे हमने रख दिया है क्योंकि आज रात हम इसी पे सोने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ मिसलेनियस चेयर्स एंड ऑल ये सब रखा हुआ है। अच्छा, मास्टर बेडरूम में भी ना बहुत अच्छी बड़ी सी वॉक इन क्लॉजेट थी, तो ये भी पूरी खाली हो चुकी है। नीचे में हमने वो सारा सामान रखा है जो हमारे साथ जाएगा कार के अंदर, तो ये सारे बॉक्सेस में हमारा जो डेलिकेट सामान है जो हमारे साथ जाना है, ये पूजा का सारा सामान है। मंदिर भी हम अपने साथ लेके जा रहे हैं बिकॉज इसमें लाइट्स लगी है ना, तो काफी डेलिकेट है ये मंदिर और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये खराब हो, इसीलिए साथ में जाएगा ये। तो ये सारा सामान हमारे साथ ही जाएगा कार में, इसीलिए यहाँ पे रखा है। और ये है सेकेंड बाथरूम। हम इस घर में ना लास्ट ईयर ही मूव हुए थे, एरिजोना से हम लोग आए थे समर्स के टाइम पे, और हमें लगता था यार ये कम्युनिटी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, घर के सामने लेक है, इतना सुंदर ब्यूटीफुल सा ट्रेल बना हुआ है वॉक करने के लिए, बहुत सारी मेमोरीज बनाई है हमने यहाँ पर, बहुत मजा आया। कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी बन गए हैं जिनके साथ ना एक होता है ना, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, कंफर्ट लेवल ज्यादा हो जाता है। तो मैं फ्रेंड्स कम बनाती हूँ बट जो बनते हैं मेरे वो अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, तो ऐसे फ्रेंड भी बन गए हैं यहाँ पे। वैसे ऐसा नहीं है कि हम कहीं और जगह पे मूव हो रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट का ही रास्ता है जैसा कि मैंने बोला हमारे दोनों घरों में, तो मैं अपने फ्रेंड्स से यहाँ पे मिलने आया ही करूंगी। कॉस्को भी जो हम जाते हैं वो यही रहेगा और रास्ता भी सेम रहेगा, तो मैं अपनी फ्रेंड को कह रही थी कि गेट रेडी, अब मैं तेरे घर पे कभी भी आया करूंगी। यहाँ पे रहती थी तो फिर भी फोन करके आती थी, अब तो ये होगा कि जब निकले उस घर से कॉस्को जाना है कुछ जाना है तो यहाँ पे अपनी गाड़ी घुमा ली और मिलने आ गए। बट यस, चेंज होता है ना कभी भी लाइफ में, तो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, डर लगता है और बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, बट यस सुपर डुपर एक्साइटेड। तो चलो दोस्तों, इस व्लॉग को यहाँ पे खत्म करती हूँ, नया व्लॉग स्टार्ट करूंगी। आज हम लोग जाने वाले हैं वॉक थ्रू के लिए घर के, अपने वाले घर के, तो कोशिश करूंगी वहां से मैं व्लॉग स्टार्ट करूं और इस व्लॉग को फटाफट एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी ऑफ माय वीडियोस। ये व्लॉग आएगा वेंसडे को, प्लीज देखना, मैं बहुत सारी वीडियोस तब तक रिकॉर्ड कर चुकी होंगी, तो धीरे धीरे करके सब आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना क्योंकि वहां पे आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे, प्लीज इंस्टाग्राम पे आ जाना। एंड फिर से मिलूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, मैं अब रिपीट नहीं करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा जरूर बनना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।